अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली क्या हाल चाल है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से शुक्र अलहदुल्ला मैं भी ठीक हूँ तो आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया है और जैसे कि आपको पता है कल मदर डे था तो ये कल की वीडियो है अपलोड मैंने आज की है और बड़ी जो बेटी है मेरी पलवशा तो वो कल मुझे ले गई थी डिनर पर उसने जो है ना मज़ेदार सा मुझे डिनर करवाया और मेरे लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना केक बनवाया ड्रीम केक वो बनवाया ये मदर डे का तो जैसे कि आप सबको पता है मदर डे बस को एक दिन ऐसा होता है जो सब अपने माँ को स्पेशल जो है ना उसका डे गुजारते हैं उसका दिन मनाते हैं और माँ के बगैर कोई भी दिन जो है ना वो नहीं होता सभी दिन माँ के होते हैं माँ बाप के होते हैं और जो है ना बस एक ऐसे ही बच्चों का शौक है उसने कहा कि चले मम्मा आज जो है ना मदर डे है मैंने जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा सा जो है ना डिनर पे आपको लेकर जाऊंगी आपकी जो फेवरेट डिशेस हैं आप वो अपने ऑर्डर करना और आज का डिनर मैं अपनी तरफ से आपको कराऊंगी तो ये उसने यहाँ पर जो है ना केक भी बनवा कर लेकर आई हुई थी ये ड्रीम के के है इसको जो है आप लोगों को पता ही है कि वो चम्मच से जो है ना इसको तोड़ना पड़ता है तो बड़ी मुश्किलों से ही है भाई। था बहुत टेस्टी था मजेदार था तो यहाँ बस हम जो है ना माँ बेटी आए थे बस दोनों मेरी बेटियां और मैं आए थे हमारी पूरी फैमिली नहीं आई थी बेटे हस्बैंड नहीं आए थे वो कहीं और दावत में गए थे तो आज जो है ना हम तीनों माँ बेटियों ने जो है ना बड़ा अच्छा सा जो है ना डिनर किया और आज की शाम साथ गुजारी बहुत मज़ेदार सा डिनर के साथ तो यहाँ पर यह हमारा आ गया है डिनर और ये रेस्टोरेंट हमारे यहाँ भी नया खुला है सूफी मंदी के नाम से मीरपुर खास में तो खुला तो ये रमज़ानों में था तो लेकिन ईद पर खुला था शायद आ, हम लोगों का आना नहीं हुआ तो आज पहली मरतबा मैं इधर आई हूँ डिनर के लिए इनका खाना बहुत मज़े का है मंदी इतने मज़े की थी है। और चौ चिकन चाउमिन भी बहुत मज़े की थी हमने पिज़ा मंगाया अगवानी पिज़ा वो भी बहुत टेस्टी था मज़ेदार था तो चटनी रोल मंगाया था तो यह कि खाना जो है ना यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ेदार जो है ना डिनर हम लोगों ने यहाँ किया और आ, बस छोटा सा विलॉक था मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया तो घर की रूटीन वगैरह डाल डाल के मैं खुद भी बोर हो चुकी थी तो इस वजह से अभी बस थोड़ा सा बाहर निकले थे डिनर के लिए तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ डिनर यहाँ का आ, सूफी मंदी का तो बहुत मजेदार डिनर था और यहाँ पर जो है ना सूफ़ी मंदी मैंने जो है ना पहली दफा दव... मतलब मंदी मैंने जो है ना पहली दफ़ा खाई अपनी लाइफ में इससे पहले मंदी हमने नहीं खाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर मंदी नहीं मिलती तो ये पहला रेस्टोरेंट खिला खुला है जहाँ पर मंदी मिलती है तो हम लोगों ने कहा कि चलें सूफ़ी मंदी के नाम से ये रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर हम आ, मंदी ट्राई करते हैं देखते हैं कैसी है तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी बहुत मज़ेदार लगी और बस पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था चिकन चाउमीन भी बहुत मज़े की थी और बस यहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया और बाकी जो है ना खाना हमारा थोड़ा बहुत बच गया था वो हमने पार्सल करवा लिया रोल पराठा मैंने अपने लिए मंगाया था लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि मंदी इतने मज़े की थी तो वो मतलब जब हम खाने स्टार्ट हुए मंदी तो फिर किसी और चीज़ पे हमारा हाथ ही नहीं गया ना तो खाना हमारा बच्चों का था हमने पार्सल करवा लिया और यहाँ जो है ना बस बड़े आराम से ये नीचे बैठने का यहाँ पर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था छोटे छोटे से आ, रूम केबिन टाइप इस तरह के ये बनाए हुए थे आ, और अच्छा लगा यहाँ पर आकर और अभी बस हम लोगों ने आइसक्रीम मंगाई मिल्क शेक वगैरह मंगाने का था लेकिन हम लोगों ने खाना इतना ज़्यादा खा लिया था कि जो है ना और दूसरी चीज़ों की जो है ना गुंजाइश ही नहीं थी आइसक्रीम भी हमने दो कप ही मंगाई तो उसमें हम तीनों ने खा ली बस बाकी डिनर हमने कर लिया अभी चलते हैं घर पे और फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ दीजिए इजाज़त